और हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं वन टू फोर्टी फाइव सेशन्स हर ऑल्टरनेट डेज़ पे न्यू लेक्चर्स आते रहेंगे और ये बुक आपकी हेल्प करेगी आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में चाहे फिर वो एस हो चाहे वो बैंक एग्ज़ाम हो चाहे फिर वो कोई भी डिफेंस एग्ज़ाम हो जैसे कि आपका सी हो गया एफ कैट हो गया तो इन सभी एग्जाम्स में जिनमें भी इंग्लिश एक नेसेसरी पार्ट होता है ये बुक आपकी हेल्प करेगी वोकेबुलरी बिल्डिंग में तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट थ्री सेशंस आपके होने वाले हैं कंप्लीटली पर्सनैलिटी टाइप्स पे सो फर्स्ट सेशन की स्टार्टिंग होती है इस वर्ड से ईगोइस्ट ईगोइस्ट इसका रूट वर्ड है ईगो ईगो मीन्स आई तो इगोइस्ट इस वर्ड का मीनिंग हो जाएगा वो पर्सन जो सिर्फ खुद के बारे में सोचता जो हो जो सेल्फ सेंटर्ड हो काफ़ी इसको आप सेल्फिश भी बोल सकते हो यानी कि उसके लिए अपने आप को सबसे पहले रखना ही जरूरी होता है एवरी डिसीजन दिस पर्सन मेक्स इन हिज लाइफ इज बेस्ड ऑन द आंसर ऑफ ओनली वन क्वेश्चन What इज़ in इट फॉर मी कि इसमें मेरे लिए क्या है इसमें मेरा क्या फायदा है ऐसा पर्सन जो हो गया उसको हम ईगोइस्ट कहते हैं फॉर एग्जाम्पल माई कजन इज सच एन ईगोइस्ट दैट ही ओनली केयर्स अबाउट हिमसेल्फ नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेस्ट स्पेलिंग पे ध्यान देना यहाँ पे एक्स्ट्रा टी एड हो चुका है और याद रखने के लिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ टी इस तरह से आप याद रख सकते हो टी मीन्स टॉक तो ये जो पर्सन होता है ईगोइस्ट ये भी खुद के ही बारे में हमेशा सोचता है सेल्फ सेंटर्ड होता है सेल्फिश होता है लेकिन ये साथ के साथ खुद की बड़ाई भी करता रहता है खुद के बारे में बातें भी करता रहता है तो ये डिफरेंस हो गया इसमें जैसे कि हैव यू हर्ड अबाउट ऑल द मनी आई एम मेकिंग क्या तुमने पता है मैं कितना कमा रहा हूं आजकल डिड आई टेल यू अबाउट माई लेटेस्ट प्रोफिटेबल प्रोजेक्ट और लेट मी गिव यू माई ओपिनियन बिकॉज आई नो एवरीथिंग इस पर्सन को लगता है कि इसे सब कुछ पता है आई एम एन एक्सपर्ट एट प्रैक्टिकली एवरी थिंग ये सारी इस पर्सन के कैरेक्टर ट्रेट्स हैं द इगोइ फील्स सुपीरियर टू अदर्स फिजिकली एज वेल एज इंटेलैक्चुअली हर तरह से वो पर्सन दूसरों से सुपीरियर फील करता है और इसके सिनानिम्स में हो जाएंगे बोस्टफुल जो अपनी बढ़ाई करता रहता हो ऑस्टेंटेशियस जो बहुत ही दिखावटी पर्सनैलिटी रखता हो एक नार्सिसिस्टिक और ये जो वर्ड है ये बहुत बार स्पेलिंग एरर्स में पूछ लिया जाता है तो नार्सिसिस्टिक का मीनिंग हो जाता है एन एक्सट्रीमली सेल्फ सेंटर्ड पर्सन इसके लिए हम यूज करते हैं ये वर्ड नार्सिसिस्टिक जिसके लिए खुद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं होता फॉर एग्जाम्पल यू नीड टू बी एन ईगोटिस्ट टू सक्सीड इन पॉलिटिक्स यानी कि ईगोटेस्ट जैसे कि मैंने बताया था टी फॉर टॉक कि खुद के बारे में बहुत ज्यादा बातें करना खुद की बड़ाई करते रहना तो ऐसा पर्सन जो है पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा सक्सीड हो सकता है एंड नाउ लेट्स वर्ड ने तो ये जो लोग होते हैं ना इनके ट्रू हैप्पीनेस का सीक्रेट होता है कंसर्निंग योर सेल्फ और कंसर्निंग दम सेल्फ विद द वेलफेयर ऑफ अदर्स विदाउट थिंकिंग ऑफ देयर own इंटरेस्ट फर्स्ट यानी कि वो खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं उनके फायदे के उनकी खुशियों के बारे में सोचते हैं वैसे लोग होते हैं ऑल ड्रोएस्ट उनके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं और इनकी पर्सनैलिटी कुछ इस तरह से होती है इनका एटीट्यूड कुछ इस तरह से होता है लेट मी हेल्प यू फर्स्ट ऐसे लोग होते हैं जो अनसेल्फिशली हेल्प करते हैं दूसरों की बजाय के रिटर्न में कुछ भी एक्सपेक्ट करने की फॉर एग्जाम्पल मदर टेरेसा was a ट्रू एल्ट्रोइस्ट as शी सेल्फलेसली ऑफर्ड हर सर्विस एंड लव टू पीपल ऑफ every कास्ट एंड creed. अब इसी वर्ड के कुछ और वेरिएशन हम देखते हैं एल्ट्रोइस्ट के ही एल्ट्रोइज्म आप यहाँ पे देखोगे सफिक्स जो है वो डिफरेंट है आई एस एम लग गया है यहाँ पे, तो ये एक नाउन है एल्ट्रोइस्ट भी एक नाउन हो जाता है और एल्ट्रोइस्टिक आई सी ये एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है तो ये वर्ड हमारा एल्ट्रोइस्टिक जो है ये एक एडजेक्टिव हो जाएगा मीनिंग सबका एक ही जैसा है परोपकारिता और एल्ट्रोइस्ट यानी कि परोपकारी नेक्स्ट वर्ड में आते हैं हम एन इंट्रोवर्ट word. दो वर्ड्स होते हैं एक तो हो गया हमारा इंट्रोवर्ट और एक होता है एक्सट्रोवर्ट इनके हम रूट पे अभी नहीं जाते हैं रूट्स जो है, वो हैं वो सेकेंड सेशन में डिस्क्राइब की गई हैं बहुत अच्छे से तो हम तभी करेंगे सेकेंड सेशन में ही करेंगे अभी के लिए सिर्फ हम इसको जान लेते हैं कि इस वर्ड का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है बिना एटमोलॉजी पे जाए तो इंट्रोवर्ट पर्सन अगर आप हो देन यू विल फील अनकम्फर्टेबल इंगेजिंग इन एक्टिविटीज रिक्वायर कोऑपरेशन विद अदर पीपल आप दूसरे लोगों से खुलने मिलने में अनकम्फर्टेबल फील करोगे यू प्रेफर सॉलिट्यूड आप अकेले रहना पसंद करोगे और द कंपनी ऑफ ओनली वन पर्सन टू अ क्राउड यानी कि आप बजाय के भीड़ में जाने के आप या तो अकेले रहना पसंद करोगे या सिर्फ एक ही पर्सन के साथ में आप टाइम स्पेंड करना पसंद करोगे अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो यानी कि आप एक तरह से अनसोशल हो जाओगे जो ये तो चाहते हैं कि उनको लाइक like किया जाए उनको एक्सेप्ट किया जाए लेकिन वो घुलना मिलना नहीं चाहते किसी के साथ में भी यू माइन्यूटली एग्जामिन योर एवरी थाट फीलिंग एंड एक्शन आप बहुत ही बारीकी से एग्जामिन करते हो अपनी हर एक फीलिंग को अपने थाट्स को अपने एक्शंस को और आप इस तरह के क्वेश्चन भी अक्सर खुद से करते हो अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो वट डू अर दीपल थिंक ऑफ मी बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं मैं कैसा दिखता हूँ और शायद जो मैंने कहा वो मुझे नहीं कहना चाहिए था मे बी आई शुड हैव सेड दैट इस तरह के जो लोग होते हैं इस तरह के जो पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं लीव मी अलोन पर्सनैलिटी वाले उनको कहा जाता है इंट्रो वर्ड फॉर एग्जाम्पल बिकॉज आई एम एन इंट्रो वर्ड आई रेयरली गो टू पार्टीज नेक्स्ट वर्ड है जो इसका ऑपोजिट है वो हो गया एक्सट्रो वर्ड ऑपोजिट है तो इनकी जो पर्सनैलिटी है वो आउट होगी सोशली कॉन्फिडेंट पीपल होते हैं ये लोग जो होते हैं सोशलाइजर इनको कहा जाता है जो बहुत ही आसानी से घुल मिल जाते हैं और इनका एटीट्यूड रहता है लेट्स डू इट टुगेदर का यानी कि साथ में मिल के काम करने का क्योंकि बहुत कंफर्टेबल होते हैं क्राउड में If you are an extrovert, then you are the life of the party because you never worry about the effect of your actions. आप अपने आप को किसी काम को करने से रोकते नहीं हो. आप दूसरों की परवाह नहीं करते. आपका जो मन करता है आप वही करते हो. You are usually happy, full of high spirits. You love to be with lots of people, and you would be a great teacher, counselor, administrator, or insurance agent, क्योंकि इनका काम क्या होता है लोगों से बातें करना. फॉर एग्जाम्पल बिकॉज शी इज़ एन एक्स्ट्रो वर्ड हुई इन जो एज चैटिंग विद अदर्स दैट्स वाई शी इज़ द आइडियल टॉक शो होस्ट अब एक वर्ड पे आते हैं नए वर्ड पे आते हैं जो कि है एम बी वर्ड और जो इन दोनों का मिक्सचर आप कह सकते हो यानी कि ये एक स्पेक्ट्रम है तो इसके जो एक्सट्रीम एंड्स हैं वो हो गए इंट्रोवर्ड एंड एक्सट्रोवर्ट, और एक बीच का जो पार्ट है वो हो जाएगा एम बी यानी कि ये लोग जो होते हैं वो इंट्रोवर्ड भी हो सकते हैं वो एक्सट्रोवर्ड भी हो सकते हैं वो मिक्स्ड जो कैरेक्टर्स हैं वो शो करते हैं एक बैलेंस बना के रखते हैं इन दोनों पर्सनैलिटी ट्रेड्स का डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट ओकेजनस एंड डिफरेंट टाइम्स ये डिपेंड करता है वो किस ओकेजन में हैं किन लोगों के साथ में हैं उनके बेसिस पे उनकी जो पर्सनैलिटी है वो चेंज हो जाती है अगर वो अपने बहुत अच्छे फ्रेंड्स के साथ अपनी फैमिली के साथ होंगे तो वो वहाँ पर एक्स्ट्रो वर्ड बने रहेंगे और अगर कोई अन नोन पर्सन के साथ वो होंगे या एक क्राउड में होंगे तो वो एक तरह से इंस्ट्रो वर्ड बने रहते हैं इनकी मिक्स्ड पर्सनैलिटी होती है इसलिए इनको कहा जाता है एम बी वर्ड एम बी एम बी का मीनिंग ही ये होता है कि मिक्सचर दो चीजों का वो हो जाता है एम बी फॉर एग्जाम्पल शी इज एन एम बी वर्ड लाइक्स टू गो टू पार्टीज बट ऑल्सो दोनों चीज़ें इनको पसंद हैं नेक्स्ट वर्ड इज अस एंड थ्रॉप अ पर्सन हु डिसलाइक्स ह्यूमन काइंड जो पूरी मानव जाति से ही इन पूरी मानव जाति को ही डिसलाइक करते हूँ हिट रखते हूँ उनके लिए ऐसे लोग हो जाते हैं हमारे मिस एंड दिस पर्सन हेट्स एवरी वन बट नेवर एडमिट्स हिमसेल्फ लेकिन एडमिट नहीं करेगा लेकिन एक्चुअल में ये सीक्रेटली सबको हेट करता है तो ऐसा पर्सन जो हो जाता है वो होगा मिस एंथ्रो यहाँ पे जो प्रिफिक्स है मिक्स मिस का मीनिंग हो जाता है टू हेट और इसका ऑपोजिट वर्ड जो है ऑपोजिट सफिक्स वो हो जाता है फिल इसका मीनिंग हो जाता है टू लव तो इसका जो एंटेनेम है मिस का वो हो जाएगा फिलेंथ्रॉप और हमने एक वर्ड किया था अभी ऑल्ट्रोइस्ट तो इससे ऑपोजिट पर्सनैलिटी होती है मिस की तो इस वर्ड के एंटेनेम्स में आप ये दोनों लिख सकते हो वर्ड्स फिलेंथ्रोप और ऑल्ट्रोइस्ट फिलेंथ्रोपिस्ट भी आ जाता है कई बार एग्जाम्स में फिलेंथ्रोपिस्ट भी कहा जा सकता है और यहाँ पे मिस misanthrop को मिस भी कहा जा सकता है एग्जाम्पल द ओल्ड मैन वॉज अ मिस एंथ्रॉप हु सराउंडर यार्ड विद बायर कटीले जो तार होते हैं उससे उसने सराउंड कर लिया था अपने पूरे यार्ड को टू कीप हिज नेबर सेट पे ताकि उसके जो नेबर्स हैं वो वहां पर ना आए उनसे एक उचित दूरी रखने के लिए उसने ऐसा किया था तो ये पर्सन जो है ये मिस एंथ्रॉप हो गया नेक्स्ट है मिस तो यहाँ पे फिर से मिस आ रहा है दैट मीन्स हेटा और किसका हेटर जिनिस्ट ये बना है गाइनी वर्ड से गाइनी रूट से रूट्स जैसे कि मैंने अभी बताया था हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे डिटेल में तो अभी के लिए बस मैं एक बार बर्ड आई व्यू आपको दे देती हूं मिसोजिनिस्ट वो पर्सन होता है जो डिसलाइक करता है या फिर स्ट्रांगली प्रिजुडिस्ट होता है विमेन के अगेंस्ट प्रिजिस्ट मीनस डिसलाइक for someone, for someone or something without any proper reason। यानी कि सभी लोग ऐसे मान रहे हैं तो हमने भी वो मान लिया तो ऐसे केस में हम भी प्रिजुडिस्ट हो गए यानी कि प्रिजुडिस्ट के लिए आप ये एक वर्ड और यूज कर सकते हो पार्शल यानी कि पक्षपातपूर्ण ऐसे लोग होते हैं जो विमेन के लिए प्रिजडिस्ट होते हैं और इनकी हिस्ट्री क्या है समटाइम्स इन योर डिम पास यू वर स्कॉन्ड और डीपली वेड बाई अ वुमेन अ मदर और अ मदर फिगर फिगर पर हैप्स तो इस वजह से ये क्या करते हैं पूरी नारी जाति के लिए ही अपने मन में हिटेड रखने लग जाते हैं सो नाउ यू हैव केयरफुली कंस्ट्रक्टेड डिफेंस अगेंस्ट फॉर द हर्ट ताकि नेक्स्ट टाइम आपको कोई हर्ट ना कर सके कोई वुमेन uh, हर्ट ना कर सके इसलिए उन्होंने क्या कर लिया होता है एक डिफेंस सिस्टम बना लिया होता है कि हम तो हमेशा उनको हेट करेंगे ताकि कोई हमारे करीब ही ना आए ऐसे लोग हो जाएंगे मिसोजिनिस्ट और इसका ऑपोजिट हो जाएगा मिस एंड्रिस्ट गायनी यानी कि फीमेल की बात हो रही है एंड्रिस्ट तो यहाँ पे एंड्रेस्ट यानी कि मेल की बात हो गई तो इसका एंटनिम हो जाता है मिस एंड्रेस्ट यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है स्कोन्ड स्कोन्ड का मीनिंग हो जाता है अपमानित होना फॉर एग्जाम्पल ही इज अ मिसोजनिस्ट एंड हेट्स द आइडिया ऑफ अ वुमन बींग स्ट्रोंगर दैन और आउट रैंकिंग अ मैन पर्टिकुलरली हिमसेल्फ कि उसको ये सोचना भी पसंद नहीं है कि कोई वुमेन जो है उससे आगे जा सकती है उसको आउट रैंक कर सकती है तो यहाँ पे दो और वर्ड निकल के आते हैं मिसोजिनिस्ट के साथ में मिस एंड्रिस्ट जिसको हमने अभी देखा और फेमिनिस्ट तो इनको भी देख लेते हैं ये जो सिम्बल होता है ये मेल को डिनोट करता है और ये सिम्बल होता है आपका ये फीमेल को डिनोट करता है तो वो लोग जिनको लगता है कि मेल सुपीरियर होते हैं फीमेल से और जो फीमेल को हेट करते हैं वो हो गए मिसोजिनिस्ट इसका ऑपोजिट मिस जिनको ये लगता है कि जो फीमेल है वो सुपीरियर होती हैं मेल से वो हो गए मिस एंड्रिस्ट यानी कि जो मेल को हेट करते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है फेमिनिस्ट अब फेमिनिस्ट इनका आइडिया क्या होता है इनका नोशन ये रहता है द बिलीफ बिलीव इन सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी इक्वालिटी ऑफ सेक्सेस तो ये इनकी विचारधारा होती है फेमिनिस्ट ऐसे लोगों की कि ये इक्वालिटी में बिलीव करते हैं ये ना ही तो ये कहते हैं फीमेल सुपीरियर है ये ना ही ये कहते हैं मेल सुपीरियर है इनका ये नोशन है कि कोई सुपीरियर या इंफीरियर नहीं होता सभी इक्वल होते हैं नेक्स्ट में आते हैं मिजोगैमिस्ट तो यहाँ पे गैमिस्ट हो गया ध्यान रखना मिजो जिनिस्ट नहीं है गैमिस्ट है गैमी यानी कि मैरिज की बात हो रही है यहाँ पे मिस का मीनिंग मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं यानी कि हेटर तो वो पर्सन जिसे शादी नहीं पसंद अ पर्सन विद अ डिसलाइक और हेट्रेड ऑफ मैरिज और द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज उस पर्सन के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं मिजो गैमिस्ट दे डोंट बिलीव इन मैरिज एट ऑल और ये नहीं है कि ये हेट करते हैं दूसरे जेंडर को वो नहीं होता यहाँ पे देखिए मेम्बर ऑफ द अपोजिट सेक्स आर ग्रेट ये उनको ग्रेट मानते हैं एज लवर्स एज रूमेट्स और अपार्टमेंट और हाउस शेयर बट नोट एज लॉफुली वेडेड स्पाउसेज लेकिन जहाँ पे मैरिज की बात आती है वहाँ पे पीछे हट जाते हैं द टाईज दट बाइंड आर टू बाइंडिंग फॉर दैम इन लोगों के लिए इन लोगों का ये मानना होता है कि इनकी फ्रीडम खत्म हो जाएगी अगर मैरिज कर लेंगे ये तो इस वजह से ये मैरिज के कॉन्सेप्ट में ही नहीं बिलीव करते ऐसे लोग हो जाते हैं हमारे मिजोगेमिस्ट फॉर एग्जाम्पल द जेंटलमैन बिलीव्ड इन मिजोगी बिकॉज हिस फर्स्ट टू मैरिज इज हैड फेल्ड दिस इज अ काइंड ऑफ साइकेस्टिक एग्जाम्पल एंड नाउ एस्सेटिक ध्यान रखना इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन एक्सेटिक नहीं होती इट इज एस्सेटिक एस्थेटिक इनके कैरेक्टर्स ये होते हैं सेल्फ डिसिप्लिन प्लस एप्स्टनेशन एप्सटनेशन यानी कि खुद से त्याग देना खुद से अपने आप से बिना किसी के कहे खुद से ही बहुत सारी चीज़ों को त्याग देना फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस को त्याग देते हैं ये अवॉइडिंग फिजिकल कंफर्ट्स लिविंग अ सिंपल लाइफ और ये सिंपल लाइफ को जीना पसंद करते हैं इंटेलिजेंस ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इसको देख लेते हैं एक बार इंटेलिजेंस इज

इनकी फिलोसफी क्या हो जाती है सिंपलेस्ट एंड लीस्ट अमाउंट ऑफ फूड यानी कि जितना जिंदा रहने के लिए सर्वाइवल के लिए चाहिए होता है बस उतना ही खाना हो वो भी बहुत सिंपल हो कंबाइंड विद एबस्ट फ्रॉम फ्लैशली और अर्थली प्लेजर्स विल इवेंचुअली लीड टू स्पिरिचुअल परफेक्शन और ये ऐसे अगर लाइफ स्पेंड करेंगे तो ये स्पिरिचुअली परफेक्ट हो जाएंगे इनको ये मान इनका ये मानना होता है और ये सारे ही जो सिनानिम्स और एंटोनिम्स हैं ये किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं तो इन सबको ध्यान से पढ़ना नोट डाउन जरूर कर लेना और ये रिपीट होते हैं ऑस्टियर एप्स्टीमियस मंकेश, सेल्फ एबनिगेटिंग ये हो गए सिनानिम्स एंटनिम्स में आते हैं सिबेरिटिक वलुपचुअस हेडोनिस्ट फॉर एग्जाम्पल द एस्थेटिक मैन गेव अवे हिज फॉर्चून एंड मूवड इन टू अ टाइनी वन बेडरूम अपार्टमेंट क्योंकि उसको ये लगता है कि यही इसके लिए सफिशेंट है तो ये ज्यादा और जो अर्थली प्लेजर्स होते हैं फ्लैशली प्लेजर्स होते हैं उनमें इंडल्ज नहीं होना चाहता तो यहाँ पे आपका फर्स्ट सेशन जो है वो खत्म हो जाता है और ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है यहाँ पे इन्हें जरूर आप मैच करना ट्राई करना कि आपको कितना याद रहा है पूरे इस सेशन का इनको आप प्रैक्टिस ज़रूर करना और इनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं यहाँ पे आपको पीडीएस भी अवेलेबल करवा दूंगी जिसमें इनके आंसर्स भी होंगे सो गाइज थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग